Hello, good morning friends. So myself Abhijit Phansalkar once again welcoming you all from our number one online academic channel Unacademy. Okay, so far we have discussed about 2x2 multiplication, किस प्रकार वो जल्दी किया जा सकता है. सो आज हम डिस्कस करेंगे 3x3. ओके, उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सब्सक्रिप्शन चार्जेस. सो आई जनरली सजेस्ट गो फॉर 12 मंथ्स कैट सब्सक्रिप्शन चार्जेस विच इज ओनली 17,500. दोज हु आर इन सेकेंड और थर्ड ईयर दे कैन प्लान फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. सो फॉर देम द चार्जेस आर ओनली 21,000. नॉट ओनली दैट, दोज हु आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन ओमेट्स तो उनके लिए हमारे एक महीना, तीन महीने, छः महीने के भी पैकेजेस है. यू कैन जस्ट हैव लुक एट दैम. एंड नॉट ओनली दैट, इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड ASP10, दिस इज माई रेफरल कोड, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट. सो दीज आर आवर डिस्काउंटेड फिगर्स, राइट. एंड आई कैन बेट ऑन इट, बिल्कुल ये इकोनॉमिकल और वेरी अट्रैक्टिव है इफ यू कंपेयर विथ एनी अदर अवेलेबल प्लेटफॉर्म इन द मार्केट. ओके, सो हियर यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग विथ आवर ऑनगोइंग बैचेस जो अभी शुरू हुई है, और आप उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करो. यू कैन ज्वाइन एनी बैच एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड. सो हियर यू विल गेट चांस टू मीट आवर टॉप मोस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. ये एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है. इट विल बी हेल्ड ऑन एवरी अल्टरनेट संडे. यहाँ बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस है टू बी वन. प्राइजेस का छोड़ दो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो हियर यू हैव अ स्मॉल रेफरेंस एज सच. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे 3x3 मल्टीप्लिकेशन, वो जल्दी किस प्रकार हो सकता है. सी कंसेप्ट्स, वो थोड़ा समझना, न समझ में आना, ये थोड़ी सी अलग सी बात है. बट कैलकुलेशंस आर टोटली अंडर योर कंट्रोल. वो अगर आप अच्छी तरह से करोगे, यू आर द विनर. 50% काम कैलकुलेशंस पे होता है. सो सपोज आई टेक अ नंबर, से 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5, 6. नाउ जिन लोगों ने वैदिक मैथ्स का थोड़ा सा अध्ययन किया है, दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस. एंड इट इज़ ऑल्सो प्रूवन दैट दिस मेथड इज फास्टर दैन आवर ट्रेडिशनल मेथड. सो यू कैन सेव यूअर 20-25% ऑफ द वैल्यूएबल टाइम वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस इन फाइनल एग्जाम. सो हियर यू हैव टू जस्ट फॉलो सिंपल स्टेप्स और आपका काम आसान से हो जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स, राइट. सो यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स. मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, यू कैन नोट डाउन अकॉर्डिंगली. सो इट विल बी 3 × 6, ये 18 हो गया. उसमें से 8 यहाँ आंसर स्लॉट में लिखना है और एक को कैरी फॉरवर्ड करना है. सो यू कैरी 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई 10 एंड यूनिट डिजिट्स. सो यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिट and 10 digits. So it will be 2 × 6 plus 3 × 5, और इसमें जो कैरी ऑन किया है वो ऐड करना है. ओके, 15, 17, सो इट विल बी 28. सो आंसर स्लॉट में 8 लिखना है, 2 कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी 2 फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. यहाँ आपको क्या करना है, यू हैव टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई 10 digits. ओके, सो यू हैव टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई 10 डिजिट्स एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 एंड यूनिट डिजिट्स. ये एक साथ करना है आपको. ओके, ये एक साथ करना है. सो इट विल बी 2 × 5 प्लस 1 × 6 प्लस 3 × 4, और जो कैरी फॉरवर्ड किया है उसे ऐड करना है. द आंसर 28. सो दैट इज गोइंग टू बी 30. 0 को यूनिट प्लेस में यहाँ आंसर स्लॉट में लिखना है, कैरी 3 फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई 10 एंड 100. यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई 10 एंड 100 डिजिट्स. So it will be 1 × 5 plus 2 × 4. 3 add karna hai.
13, so that will be 16. So unit place में आएगा, answer slot में आएगा 6, and then you have to carry 1 for the next step, and now direct multiply 100 digits. Direct multiply 100 digits. So it is 1 into 4, और उसमें एक add करना है, you get the answer in just single line. And this is a very astonishing method. And और इतना आसान भी है, because every time you will find in every step, it is just a single digit multiplication and maximum 2 digit addition, जो आप आराम से कर सकते हो. So if you follow this method, तो traditional method से आप 20-25% time in actual exam या practicing के समय भी या mock test के समय भी आप save कर सकते हो. So please follow this method religiously. पहले ऐसे लगेगा, अरे इतने मेथड से स्टेप से कैसे याद रहे, आराम से याद रहता है, कोई उसमें डरने की बात नहीं है. यू जस्ट फॉलो दिस मेथड. एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ. फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स. सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिट एंड 10 डिजिट्स. थर्ड स्टेप दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, सेंट्रल स्टेप है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 10 डिजिट्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 100 एंड यूनिट डिजिट्स एट ए टाइम. स्टेप नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 एंड 100 डिजिट्स. एंड स्टेप नंबर 5 direct multiply 100 digits. You just follow this method for 3x3 multiplication, and I can assure you that you will be saving your valuable 20-25% more time that will help you to solve another problem, right? So just keep watching these strategic videos, which are very useful and helpful for calculation point of view. So myself, Abhijit Phonsalkar, signing off, and I will be discussing with you in another video, another method that is going to be very much useful for you. Okay, thanks a lot. Keep watching.